गांधी से आप लोग कहते थे एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला राहुल गांधी 303 सांसदों पे भारी है। मोदी जी का राजनीतिक करियर डगमगा चुका है, अब मोदी जी राहुल गांधी से माफी मांग के संसद में उनको फिर से बहाल करेंगे। गांधी वाली अगर दिख रही है क्या कि माफी नहीं मांग रहे? तो अच्छा एक चीज बताइए, माफी कौन मांगता था? इन्हीं के लोग मांगते थे, मोदी जी आज भी माफी मांग ले, मोदी जी को वीर के दर्जा दिलवा देंगे। अरे भैया पहले गांधी ने कभी माफी मांगी? आप लोग बर्फी खा के भैया पेट भरते होंगे। देखिए हम तो ये गुड़ समझते हो ना, गुड़ है, भेली कहते हैं गाँव। देखिए वी खा के पानी पीते हैं और आप लोग बर्फी खा के पानी पीते हो, ये भी माफी मांगनी चाहिए। कुछ समय पहले भैया सिलेंडर उठाती थी, महंगाई है महंगाई है महंगाई है, और आज 1100 रुपए का पार हो गया सिलेंडर, फिर भी वो बोल रही है। जनता पार्टी वाले पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं कि उनकी जो भावना है कमजोर हो गई है। जो दुख 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 मेरे घर पे आ जाए और क्या, बात खत्म तुरंत। मैडम इतना इसमें बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी जी आप हमारे घर पे आइए, नॉन रोटी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। देखिए लगातार राहुल गांधी को लेकर काफी चर्चाएं बनी हुई, और वही साथ ही साथ सबसे बड़ी चर्चा अब ये है, और वही जनता के दिलों में भी कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत ज्यादा घूम रहा है कि राहुल गांधी का जो घर खाली करने का नोटिस आया था तो उस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि मैं घर खाली करने को तैयार हूँ। लेकिन अहम सवाल सबसे ज्यादा ये बना हुआ है इस समय भाजपा हो या फिर कोई भी पार्टी हो उसके दिलों में कि अब राहुल गांधी कहाँ जाएंगे और अब क्या करेंगे। लेकिन वही साथ ही साथ ये भी है कि राहुल गांधी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरा अभी तक कोई घर नहीं है, उसको लेकर काफी अहम सवाल बना हुआ है। मेरे घर पे आ जाएं और क्या, बात खत्म तुरंत। मैडम इतना इसमें बखेड़ा खड़े करने की क्या जरूरत है? हाँ। राहुल गांधी जी आप हमारे घर पे आइए, हम नॉन रोटी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। अच्छा, लेकिन अमित शाह जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अब कोर्ट किस लिए जाएंगे? हाँ। किस लिए कोर्ट भेज रहे? अमित शाह जी अपनी मनमानी का हल चलाएंगे, जबरदस्ती कोर्ट भी भेजेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता सदस्यता गई है? नहीं, सदस्यता देखिए, सदस्यता तो अभी मोदी जी की जाने वाली है, अमित शाह जी की जाने वाली है, राजनाथ जी की जाने वाली है। अच्छा, इन लोगों के भी अनर्गल बयानबाजी है ना, इनकी भी जानी चाहिए। क्या मोदी की सदस्यता जानी चाहिए? नहीं जाएगी, जब कोई कोर्ट नहीं जाएगा तो कैसे जाएगी? हम जा रहे हैं ना 15 लाख के लिए। अच्छा, आप भी जाइए कोर्ट। जुमला था, माफी मांगी मोदी जी ने। अरे एक चीज बताइए, माफी मांगी, जुमला बोल दिया बस। हाँ। माफी मांगनी चाहिए ना। हाँ। अंग्रेजों से माफी मांग लेते हैं। हाँ। तो हमसे माफी मांगने में तो क्या तो दिया कि चुनावों में ऐसे जुमले दिए जाते हैं तो चुनाव में। और अच्छा एक चीज बताइए, राहुल गांधी ने जो बोला कि मोदी चोर है तो शादी विवाह में गए थे, वो भी भैया चुनावी रैलियों में ही तो बोला था उन्होंने। चुनावी इनकी चुनावी रैलियां चुनावी रैलियां होती है, और राहुल गांधी बोल देते उसे सीरियस ले लेते हैं। जब इनके समाज का अपमान किया, एक चीज बताइए मैडम कि जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अखिलेश यादव का जब कार्यकाल पूरा हुआ, पूरे कार्यकाल पूरे कार्यालय को गंगा जल से धुलवाया। सुनिए, अरे वो पर्सनल है कि कार्यालय धुलवा रहे या क्या करवा रहे, वो पर्सनल है अपना। अच्छा, इन्होंने अपमान कर दिया, और वो अपमान नहीं था। जब जेपी नड्डा जी ने कीड़े मकोड़े बोल दिया तब वो SC ST और OBC का अपमान नहीं था। आप तो लोगों को गलती है आपकी, आप कोर्ट नहीं गए। देखिए हम छोटी छोटी, देखिए हमारी इतनी कमजोर तो भावना है नहीं कि तुरंत आहत हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं कौन से चक्की का आटा खाते हैं कि उनकी जो भावना है कमजोर हो गई है, जो धुक 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 करने लगती है। तो इनको मतलब चाहिए कि एक अच्छा चक्की का आटा खाएं, किसान का आटा खाएं, जय जवान जय किसान बोलें। ये हराम की खाते हैं तो इनकी भैया धुक 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 होने लगती है। तो सारे भ्रष्टाचारी एक नहीं हो रहे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो भाजपा में बैठे हुए हैं। अच्छा, जब भ्रष्टाचारी आपके घर आए और आप कह रहे भाजपा में भ्रष्टाचारी है, भेजिए हमारे घर पे, उनको कहाँ मिलेगा? ये भैया नमकीन का डिब्बा मिलेगा, मोदी जी गालियों से पेट भरते हैं ना, हमारे घर का नमकीन का डिब्बा उठा ले जाएंगे, नमकीन के डिब्बे से पेट भरेंगे। अच्छा, गालियों से पेट भरते हैं, हम तो नहीं जानते, आप लोग कहते हो कि गालियों से पेट भरते हैं, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी को मैडम माफी मांगनी चाहिए, और आने वाले 2-4 दिन में देखना पद की गरिमा। मैंने कब कह दिया कि वो चरवाहे हैं, प्रधानमंत्री है, मैं बोल तो रहा हूँ। वो 2-4 दिन के अंदर माफी मांगेंगे और कहेंगे राहुल गांधी जी आप सदन में आइए, आपका स्वागत है, और कोर्ट में भी जाके अपना केस ये वापस लेंगे, जिस जिस मोदी ने पैरवी की है कि हमारी भैया भावना आहत हो गई, मानहानि का केस लगाऊं, सबके सब माफी मांगे। सजा हो गई ना, आप तो अपील थोड़ी कर सकते। अच्छा, सजा हो गई, मैं अपना केस वापस लूंगा तो सजा खत्म नहीं होगी? कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेगा? जब वही गिड़गिड़ाने लगेंगे, सावरकर की तरह माफी लिखने लगे, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? नहीं देखिए, हमारे साथ जनता है, हम जानते हैं कि इनको 24 मिनट बोल रहे हैं, आपको ऑप्शन है, आप जाओ, क्यों नहीं जाते आप? जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, देखता हूँ कि कोर्ट कितना जल्दी सक्रिय होता है। सूपनखा बोला था, रेणुका चौधरी जी भी लगाएंगे। कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? अब इन सब पे तमाम मानहानि के केस लगेंगे, देखता हूँ कितना जल्दी कोर्ट सक्रिय हो जाता है। मैडम इन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, आप भी इन पे केस कर सकती हो। माफी मांगा उसके लिए? अरे स्मृति ईरानी ने कहा तो है, इतना कुछ होता है कि अगर माफी मांग लेते। स्मृति ईरानी की तो बात ही मत करिए। हाँ। उसे भी माफी नहीं, मैंने कब कह दिया कि वो मंत्री नहीं है, उसे भी माफी मांगनी चाहिए। कुछ समय पहले भैया सिलेंडर उठाती थी,
महंगाई है। और आज 1100 रुपए का पार हो गया सिलेंडर, फिर भी वो बोल रहे हैं महंगाई है कहाँ। अब वित्त मंत्री ने नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, आय दुगनी हुई है आप लोगों की। नहीं, आय किसकी दुगनी हो, जो भाजपा के पत्रकार हैं, भाजपा वाले पत्रकार तो नहीं हो ना, बोलिए ना माइक में बोलिए। हम तो निष्पक्ष है, हम ना भाजपा के ना कांग्रेस के, हम किसी के नहीं। निष्पक्ष हो तो आपकी आय दुगनी हो गई नहीं हुई? रिपोर्ट आ रही है कि किन की आय दुगनी हुई, भाजपाइयों की? आपके पास पहले एक फोन था, कितने? एक ही फोन है भैया, उसमें भी रिचार्ज नहीं डलवा पा रहा हूँ जल्दी। अच्छा, कौन सा हो गया? इसमें 1.5 GB डाटा मिलता है, वो जियो की सिम है, वो भी नहीं चलने दे रहे मोदी जी और अडानी जी, क्योंकि उन्हीं का है जियो। एक ही था, एक ही है भैया, देख लो, और वो भी टूटा फूटा है, बता दो कैसे, कौन 5 फोन आ गया का? अच्छा, लेकिन जहाँ पहले आप लोग बर्फी खा के भैया पेट भरते होंगे, देखिए हम तो ये गुड़ समझते हो ना, गुड़ है, भेली कहते हैं गांव में। अच्छा, देखिए वी खा के पानी पीते हैं और आप लोग बर्फी खा के पानी पीते हो। गरीबी आ गया है क्या, गुड़ खा रहे हैं? भैया देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि हम कोई अंबानी के रिश्तेदार नहीं, हम तो आम जनता है, हमको महंगाई दिखती है, हमको बेरोजगारी दिखती है, हमको भूखमरी दिखती है, तभी तुम सरकार से सवाल पूछते हो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। इन्होंने राशन में भी कुछ मिला दिया मैडम, इन्होंने राशन में भी मिला के खिलाना शुरू कर दिया, तभी तो जनता इनकी मोदी जी हुआ, मोदी जी हुआ के नारे लगा रहे हैं। मोदी जी के नारे तो इसलिए लग रहे हैं ना, काम कर रहे हैं तो नारे कौन, नहीं लगेंगे। कौन सा काम कर दिया इन्होंने? दिल्ली की सड़कों पर आप घूमते हैं, पोस्टर नहीं देखते? पोस्टर देखा है ना, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैंने पोस्टर देखा है, पोस्टर मैंने देखा है, मैं बता तो रहा हूं। हो जाएगा अगर आप ऐसे बोलेंगे, आप पे भी मानहानि का लगा दो भैया। वाह रे शासन तेरा, खेल ईमानदार को होगी जेल, करवा दो जेल, करवाने से डर जाएंगे का? लेकिन क्या लग रहा है अब राहुल गांधी के लिए, जिस तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं, सारी विपक्ष पार्टियां एक हो गई हैं। क्या चीज? सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो गई राहुल गांधी? सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो जाएंगी तभी सिटलर से हम लड़ पाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। हमने कहा, हमने, हम भी तो ये कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे सारे भारतीय जनता पार्टी में बैठ गए, जितने भ्रष्टाचारी थे सब भारतीय जनता पार्टी में, जितने गुंडे मवालिया थे सब भारतीय जनता पार्टी में। पार्लियामेंट में बैठ के भी जो नेता है वो कौन वीडियो देखते हुए नजर आ रहे हैं? विधानसभा किस पार्टी के थे वो? विधानसभा किस पार्टी के थे वो? वो किस पार्टी के थे जिन्होंने देखी? भाजपा के। अब देख लीजिए भैया, सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की। उन्होंने कहा है अचानक से किसी का फोन आया, उन्होंने फोन खोला तो एक चीज बताइए भैया, ये देखिए हमारे पे भी फोन आ रहा है, देख रहे हो ना? अब मेरे इसमें तो पोर्न वीडियो लग नहीं गई है? जानबूझ के इतने बेशरम और घटिया लोग होते हैं जो संसद जैसे मंदिर में बैठ के अश्लील फिल्में देखते हैं, विधानसभा में मतलब बैठ के ऐसी अश्लील फिल्में देखते हैं, उनको तो मतलब मैं कहता हूँ कि उन पे राष्ट्रद्रोह, मतलब जितने भी मुकदमे होते हैं सब लगा देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई, अरे कब होगी, कब होगी उनकी सजा रद्द हुई? सजा नहीं रद्द हुई ना, 2 साल की सजा हो गई? नहीं हुई। अरे सफाई, मैं क्या क्या करूँ, मेरे में भी तो कोहली आ रहा है भैया, क्या है भैया, कहाँ आ रहा है कोहली आ रहा है ना? इससे पहले भी एक भाजपा के नेता ऐसे ही पोर्न वीडियो देखते हुए नजर आए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपने अभी हाल में देखा होगा बिल्किस बानो के जो अपराधी थे वो गुजरात में भैया मंच पे बैठे हुए थे, बैठे थे नहीं बैठे हुए थे बताइए, वो संस्कारी थे। कोर्ट से छूट गए तो क्या भाजपा, जब कहते हैं जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए उस देश में भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पूजा करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था ना कि उनको हटाना चाहिए, गद्दी पे मतलब मंच पे बैठ रहा है जहाँ पे बड़े बड़े नेता बैठ रहे हैं। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी क्या स्टैंड लेंगे? और राहुल गांधी सबसे बड़ा सवाल अहम ये कि राहुल गांधी का राजनीतिक करियर डगमगा रहा है, करेंगे क्या? मोदी जी का राजनीतिक करियर डगमगा चुका है, अब मोदी जी राहुल गांधी से माफी मांग के संसद में उनको फिर से बहाल करेंगे। गांधी की ये गांधी वाली अकड़ दिख रही है क्या कि माफी नहीं मांग रहे? तो अच्छा एक चीज बताइए, माफी कौन मांगता था? इन्हीं के लोग मांगते थे, मोदी जी आज भी माफी मांग ले, मोदी जी को वीर के दर्जा दिलवा देंगे हम लोग। अरे भैया पहले माफी नहीं मांगेंगे, गांधी ने कभी माफी मांगी? वही तो अंग्रेज भाई, गलती उन्होंने की, क्या गलती की है राहुल गांधी ने? नहीं, ओबीसी समाज को गाली दे रहे हैं तो ललित मोदी चोरे नहीं है, ललित मोदी है, नीरव मोदी चोरे नहीं है, नरेंद्र मोदी चोरे नहीं है, विजय माल्या चोरे नहीं है, मयूर चौकसी चोरे नहीं है, बता दीजिए। ललित मोदी ने कहा है केस करेंगे। अरे केस करेंगे, पहले उसको है मोदी जी, पहले उसको घसीट के भारत तो लाइए, केस वो बाद में करता रहेगा। और उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे सबूत है मेरे पास कांग्रेस के लिए, मैं अगर बोलूंगा तो खुल के बाहर आएंगे। देखिए देखिए, सबूत ऐसे लोगों पे हुआ करता था, कुछ दिन पहले कपिल मिश्रा के पास में भी इनके मोदी जी को लेके बहुत सबूत हुआ करते थे, आज वो सारे कहाँ गए, काले चिट्ठे कहाँ गए? तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी के पास अडानी मामले में कुछ ऐसे सबूत हैं जिनसे भाजपा सरकार बिल्कुल, क्योंकि ये अडानी जी का, ये अडानी जी का माल नहीं है, ये मोदी जी का पूरा माल है। और मोदी जी चाह के भी उस मामले पे बोल नहीं रहे, क्योंकि अगर मोदी जी ने बोल दिया कि अडानी पे मामला हो, जेपीसी की जांच बैठे, तो अडानी तो जेल में जाएगा ही जाएगा, साथ में मोदी जी भी जेल में चले जाएंगे। बात कह रहे हैं कि मोदी जी जेल में जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, भ्रष्टाचारी हैं तो जेल में नहीं तो और कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मैं कह रहा हूं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल में भेज दो। सुन लो
जेल में तो जाना ही चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी डर गया है राहुल गांधी से। आप लोग कहते थे एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला राहुल गांधी 303 सांसदों पे भारी है।